तो आज हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल डोमेन जेड ऑफ आई के लिए हम कैसे जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल सकते हैं। तो जीसीडी निकालने से पहले हमें जीसीडी रिलेटेड दो आइडियाज पता होने चाहिए। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज जीसीडी? सो लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स इन डी विथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है जहां पर ए और बी बिलोंग करते हैं एंड ए बी बोथ आर नॉन जीरो एलिमेंट, एंड एलिमेंट डी बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इफ एक एलिमेंट डी जो कि इंटीग्रल डोमेन डी में बिलोंग करता है उसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कॉमा बी बोलेंगे अगर वो ए दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, मतलब कि डी डिवाइड ए डी डिवाइड बी, एंड द सेकेंड वन इज फॉर सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी दैट इम्प्लाई सी डिवाइड डी। तो अगर हमारे पास डी कोई एक रियल इंटीग्रल डोमेन जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट होता तो, और हम अगर मान लें कि हमारे पास दो एलिमेंट्स 16 एंड 24 है तो हम देख सकते हैं जीसीडी ऑफ 16 एंड 24 इज 8। तो यहाँ पर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए मतलब कि 16 को डिवाइड करता है और 4 24 को भी डिवाइड करता है, तो ए इम्प्लाई करता है कि 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा जो कि ट्रू है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। एंड द सेकेंड आइडिया इज को प्राइम एलिमेंट। सो व्हाट इज को प्राइम एलिमेंट? लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स इन डी विथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स इन डी आर कॉल्ड को प्राइम एलिमेंट्स इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज यूनिट इन डी। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को यूनिट होना पड़ेगा अगर ए और बी इंटीग्रल डोमेन डी में को प्राइम एलिमेंट्स होंगे तो। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीसीडी ऑफ 1 + 3i एंड 3 + 4i इन जेड ऑफ आई। तो हमें जेड ऑफ आई इंटीग्रल डोमेन में 1 + 3i एंड 3 + 4i का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस आई बी बी ए कॉमन डिवाइजर बी ए कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 + 3i एंड 3 + 4i। अल्फा जो है वो 1 + 3i एंड 3 + 4i का कॉमन डिवाइजर है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा डिवाइड नॉर्म ऑफ 1 + 3i एंड नॉर्म ऑफ अल्फा ऑल्सो डिवाइड नॉर्म ऑफ 3 + 4i। दिस इम्प्लाई ये इम्प्लाई करेगा नॉर्म ऑफ अल्फा डिवाइड नॉर्म ऑफ 1 + 3i मतलब कि 1 + 9 1² + 3² दैट इज 1 + 9 एंड नॉर्म ऑफ अल्फा ऑल्सो डिवाइड 3² + 4² मतलब कि 9 + 16। दिस इम्प्लाई नॉर्म ऑफ अल्फा डिवाइड 10 एंड नॉर्म ऑफ अल्फा ऑल्सो डिवाइड 25। दिस इम्प्लाई नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा? नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ओके, तो नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू 5। नाउ लेट डेल्टा इक्वल्स टू सी प्लस आई डी बी दी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जी सी डी। हमने डेल्टा इक्वल्स टू सी प्लस आई डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मान लिया है 3 + 4i एंड 1 + 3i का। ओके, देयरफॉर एन ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ अल्फा दैट इज 5। सो एन ऑफ डेल्टा का वैल्यू 5 होगा। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं c² + d² = 5। दिस इम्प्लाई c = ±2 d = ±1 एंड द सेकेंड केस विल बी c = ±1 d = ±2। ओके, नाउ दे आर एग्जिस्ट 8 चॉइसेस। तो यहाँ पर 8 चॉइसेस हमें मिलेंगे डेल्टा के फॉर डेल्टा एंड दोस आर डेल्टा इक्वल्स टू 2 + i 2 - i -2 + i देन -2 - i 1 + 2i 1 - 2i -1 + 2i एंड -1 - 2i। तो आप डेल्टा इक्वल्स टू सी प्लस आई डी पर सी और डी के वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, आपको यही 8 चॉइसेस मिलेंगे। ओके, सो ऑल द चॉइसेस ऑफ डेल्टा। नाउ हेयर हम देख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 2 + i
एंड वन प्लस टू आई इज अप टू एसोसिएट्स, मतलब कि यहां पर इंटीग्रल डोमेन डी इक्वल्स टू जेड ऑफ आई गिवन है। तो हमें पता है जेड ऑफ आई के लिए जो यूनिट्स होते हैं दो सर वन माइनस वन आई एंड माइनस आई। अभी डेल्टा इक्वल्स टू टू प्लस आई एंड वन प्लस टू आई के लिए हम देखें तो हम टू प्लस आई को वन माइनस वन आई एंड माइनस आई से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सारे एसोसिएट्स मिलेंगे। एंड वन प्लस टू आई को भी अगर हम वन माइनस वन आई एंड माइनस आई से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सारे एसोसिएट्स मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू टू आई एंड वन प्लस टू आई के लिए हमें सारे के सारे आठ जो चॉइसेस है वो मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर डेल्टा के इन दोनों वैल्यूज को ही कंसिड करेंगे क्योंकि बाकी जो सिक्स चॉइसेस है वो सारे इन दोनों चॉइसेस के ही एसोसिएट्स है। तो अभी हमें निकालना है जीसीडी ऑफ थ्री प्लस फोर आई एंड वन प्लस थ्री आई। और हमने जीसीडी के डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर कोई डी एक जीसीडी होता है ए और बी का तो वो इंप्लाई करता है डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि वन प्लस टू आई जो है वो वन प्लस थ्री आई को डिवाइड करता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं वन प्लस थ्री आई इक्वल्स टू वन प्लस टू आई इंटू ए प्लस आई बी, जहां पर ए प्लस आई बी बिलोंग्स इन जेड ऑफ आई। ओके, तो ए इंप्लाई करेगा ए माइनस टू बी इक्वल्स टू वन एंड टू ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री। दिस इंप्लाई हमें ए इक्वल्स टू सेवन बाई फाइव एंड बी इक्वल्स टू वन बाई फाइव मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। व्हिच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है ए एंड बी बोथ बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि वन प्लस टू आई जो है वो कभी भी जीसीडी नहीं हो सकता। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टू प्लस आई इज द जीसीडी ऑफ वन प्लस थ्री आई कॉमा थ्री प्लस फोर आई। हमने दिखा दिया है कि वन प्लस टू आई कभी भी इन दोनों का जीसीडी नहीं हो सकता। तो ये इंप्लाई करता है कि टू प्लस आई इज द जीसीडी ऑफ दिस नंबर्स। आप चाहे तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं।